अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वी आर स्टडिंग ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स फॉर फोर्थ क्लास। स्टूडेंट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक पेज नंबर 33। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करना है। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट अ फोल्डर दैट हैज़ टू बी डिलीटेड। जिस फोल्डर को आपने डिलीट करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है बाय सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन। अब सिलेक्ट कैसे करना है, माउस के लेफ्ट बटन से आपने सिंगल क्लिक करना है तो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप है क्लिक द राइट माउस बटन। माउस के राइट बटन को क्लिक करें एंड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड, तो ऑप्शंस की एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। थर्ड स्टेप है क्लिक द डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन को क्लिक करें। विंडोज 7 कन्फर्म बिफोर डिलीटिंग द फाइल और फोल्डर बाई डिस्प्लेइंग अ डायलॉग बॉक्स। विंडोज 7 क्या करती है, कन्फर्म करती है डिलीट करने से पहले फाइल या फोल्डर को एक डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करके। हम स्टडी करें विंडोज 7 के फीचर्स को, तो विंडोज 7 में ये फीचर्स है कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले हमसे कन्फर्म करता है कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 4 है प्रेस एंटर और क्लिक द यस बटन। एंटर प्रेस करें या फिर यस के बटन को क्लिक करें टू डिलीट द फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। और नो टू कैंसिल डिलीटिंग या फिर नो के बटन को प्रेस करें डिलीटिंग को कैंसिल करने के लिए। अब हम डायग्राम के जरिए देखते हैं इन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट फोल्डर। फोल्डर को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप है राइट क्लिक ऑन इट। इस पर आपने राइट क्लिक करना है तो ऑप्शन की इस तरह की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। थर्ड स्टेप है क्लिक डिलीट। डिलीट का जो ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना है। रीनेम के ऊपर ही डिलीट का ऑप्शन है। फिर हमने देखा कि विंडो 7 जो है वो एक डायलॉग बॉक्स के जरिए हमसे कंफर्म करता है। ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। क्या आप क्या वाकई रिसाइकल बिन में फोल्डर को मूव करना चाहते हैं। हमने पढ़ा था कि रिसाइकल बिन जो है वो कंप्यूटर की डस्टबिन है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लिक यस। अगर आपने फाइल को डिलीट करना है तो आप क्लिक यस करेंगे, यस के बटन को आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आपने नो के बटन को क्लिक करना है। अब हम प्रैक्टिकल इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करके देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं। ये हमारे पास फोल्डर है, हमने इसको डिलीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा है कि हमने माउस के लेफ्ट बटन से इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा फोल्डर जो है वो सिलेक्ट हो गया है। सेकंड स्टेप हमारा कौन सा था, राइट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट जो है वो ऑप्शंस की डिस्प्ले हो जाएगी। थर्ड स्टेप हमारा था डिलीट। डिलीट के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ये आपका डिलीट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया है श्योर करने के लिए। कन्फर्मेशन जो डायलॉग बॉक्स है वो है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। यस, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते, गलती से कोई फाइल आपसे डिलीट होने लगी है तो आप नो के बटन से क्लिक करके उसको सेव रख सकते हैं। यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो फोल्डर हम डिलीट करना चाहते थे वो फोल्डर हमारा डिलीट हो गया है। आप भी इसको घर में प्रैक्टिकल करके देखें, फाइल या फोल्डर को डिलीट करके देखें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यही आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। आपने इसको राइट भी करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।